नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बोडल केमिकल्स के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों अभी अभी जस्ट बोडल केमिकल्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो कैसे रहे नतीजे उस पर चलते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर दोस्तों आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों आप डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो दोस्तों अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें या अपनी खुद के एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों हम लोग आगे मूव करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रिजल्ट्स की तरफ ही हम लोग जाएंगे। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ देख लेते हैं कि बोडल केमिकल देखिए 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है, और दोस्तों 115 रुपये का 52 वीक हाई है, 106 रुपये के लेवल पे क्लोज हुआ है आज के सेशन में, 58 रुपीज का लोज बनाया है, मार्केट मोजो स्कोर फ्लैट है। और यहाँ पे चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या इनके इन्वेस्टर आउटकम रहे। तो यहाँ पे देखिए अभी अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुए हैं रिजल्ट्स के। तो सबसे पहले दोस्तों एक डिविडेंड देखिए, तो 80 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि लगभग अगर आप 100 रुपये के शेयर के आसपास देखें तो 0.75% के आसपास का डिविडेंड यहाँ पे दिया है। तो डिविडेंड में कुछ खास नज़र नहीं आता है। आगे चलते दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनके रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों ओरिजिनल सीट है तो थोड़ी डल सी है, ये जो हमने फिगर्स दिए हैं यहाँ पे मिलियंस में दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप दोस्तों देखिए यस, तो टोटल इनकम में देखिए गजब का उछाल देखने को मिल रहा है इस बार। यहाँ पे देखिए दोस्तों तो 4085 के फिगर निकल के आ रहे हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर से देखिए तो लगभग 20% का जंप है। वहीं पे अगर लास्ट ईयर से भी देखें तो लगभग उसमें भी 20% का जंप नज़र आता है। तो टोटल इनकम में गजब का उछाल है, 20% का जंप। इस बार दोस्तों एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए हैं ड्यू टू मटेरियल कॉस्ट, इनकी जो कंज्यूम हुई है वो ज़्यादा हुई है, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो उसकी वजह से जो एक्सपेंसेस हैं वो 3678 के हो गए हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो 406 के हैं, जो कि लास्ट ईयर से देखें तो 50% के आसपास का जंप है लास्ट क्वार्टर से, और लास्ट ईयर से देखें तो लगभग कह सकते हैं 20-30% का जंप नज़र आता है 20% के आसपास। वहीं पे दोस्तों अगर हम टोटल टैक्स एक्सपेंसेस भी देख लें, और यहाँ पे प्रॉफिट फॉर टोटल टैक्स एक्सपेंसेस 102 मिलियन के आसपास हुए हैं, तो जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड 303 का है, जो कि अगर लास्ट क्वार्टर देखिए 230 से, तो 303 के फिगर एक बढ़िया फिगर निकल के आ रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों 52 वीक हाई के काफ़ी करीब शेयर, तो रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आए हैं। इन रिजल्ट में करीब 30% का मुनाफा इस बार ज़्यादा बढ़ा है क्वार्टर पे देखें तो, और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो दोस्तों आपको 10% से ज़्यादा का आपको मुनाफा नज़र आता है। इसका सीधा असर दोस्तों अर्निंग पर शेयर पर पड़ रहा है, 2.48 हो चुके हैं अर्निंग पर शेयर 1.88 से। तो रिजल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आए हैं। अब अगर हम एक चार्ट चेक देखिए, यहाँ पे आपको चार्ट चेक सीधे दिखाते हैं। यहाँ पे एक मंथ का अगर हम देखें तो एक मंथ में दोस्तों आप यहाँ पे देखिए तो पिछले कुछ चला नहीं है खास शेयर, तो आपको 95 रुपीज का जो लो है उसी को आप इसको स्टॉप लॉस बना लीजिए। और अब दोस्तों कहीं ना कहीं ये शेयर 52 वीक हाई को क्रॉस कर सकता है, बोडल केमिकल एक अच्छी पिक हो सकती है जो कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 95 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लेवल 115 ब्रीच आउट हो सकते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जुड़िए। थैंक यू दोस्तों।